यार कुछ बोलना। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है, जब तक हजार वर्ड नहीं निकलते। जरा आप इधर को देखिए देखिए देखिए। अच्छा बस, ये जो आप इतना सुंदर स्प्रेड देख रहे हैं, ये है फैट प्लेट पे, जो शुरू में है नगर रोड पे, मनाली के काफी पास। और अभी ऑफ सीजन की वजह से ये कैफे बंद है, लेकिन हमारे दोस्त अभिनव ने स्पेशली हमारे लिए ये खोला है। जी हाँ, और जब आप सीजन में आएंगे तो ये जगह खुली होगी, तो आपको मिलेगा ऐसा खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बहुत कुछ और। और यहाँ पर वाकई बड़ा ही इनक्रेडिबल खाना मिलता है आपको फैट प्लेट पे। और इसकी खास बात यह है कि इनका सारा प्रोड्यूस जो है वो ये आसपास से लेते हैं, लोकल ग्रोथ से लेते हैं, बिल्कुल फार्म टू टेबल लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश लेते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। और उसका जो प्रूफ है, जो सबूत है, वो आपके सामने पड़ा है। क्या बात है यार, क्या ताजगी है। हाँ, मैं जो भी ट्राई कर रहा हूँ, फ्रेशली मेड पैनकेक्स, बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची, और यहाँ इनका होममेड ब्लैकबेरी जैम और दूसरे वाले के साथ कीवी जैम। बिकॉज या तो आप फ्रूट बिल्कुल ऐसे खाइए, या उसका जैम या प्रिजर्व बना के खाइए, तो और भी मजा आता है जी। और दुनिया भर में शेफ्स की जो दुनिया होती है, वहां पे कहते हैं कि अगर कोई खासी बिल्कुल एक बहुत स्पेसिफिक टैलेंट हो किसी का, बहुत टैलेंटेड कुक हो या शेफ हो, तो उसका ऑमलेट जो है वो परफेक्ट होता है। और ये देखिए, इसे बोलते हैं परफेक्ट ऑमलेट। इसका जो फ्लेवर है वो इतना जबरदस्त है, और ये ऑमलेट ही है, जैसे आप और मैं मसाला ऑमलेट बनाते हैं बिल्कुल वैसा, लेकिन इसका लेवल ही कुछ और है। मोटा है? नहीं, मोटा भी है और टेस्टी भी है। और इसके साथ है चिकन फ्रैंक्स, बेकन, स्पिनच और फ्राइड टोमेटोज और पोटेटोज। तो ऐसे होलसम ब्रेकफास्ट अगर आप ठंड में सुबह सुबह खाएं, और अभी सुबह सुबह का माहौल है, ठंड काफी है, लेकिन ये सिगड़ी एकदम हमको गर्म कर रही है, ज्यादा ही गर्म कर रही है, कुछ मेरे को जैकेट उतारनी पड़ी। बिल्कुल, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, या तो आप इंग्लिश स्टाइल या फ्रेंच स्टाइल क्रोसां खाएं जैम्स के साथ या प्रिजर्व के साथ, या पैनकेक, फ्रेश फ्रूट, या अगर आपका देसी मूड कर रहा है तो आलू का परांठा खाइए। और यहाँ भी इनके पास होममेड पिकल्स हैं, वो आप खा सकते हैं, स्मूदीज, जूस, सब जो है सारा यहाँ से लोकली सोर्स्ड फ्रूट है। तो मतलब बहुत पास से फ्रूट आता है, फ्रेश आता है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और आपको टेस्ट में वो पता लगता है। जी हाँ, और अगेन शेफ की स्किल आपको इसमें भी दिख जाएगी कि ये कितने अच्छे, इसको क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, मुझे आता नहीं इसका नाम, बिस्कुट इसकी बात शेफ इसको क्या बोलते हैं, फ्लैन, 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 शेफ ने बता दिया, फ्लैन बोलते हैं। अनुभव ने बताया मेरे को कि फ्लैन होता है ये देखिए, ये फ्लैन। और जब इसे तोड़े तो ये देखिए कैसे ये थोड़े थोड़े पीस इसके गिर रहे हैं, कितना डेलिकेट है, कितना सॉफ्ट है, कितना जेंटल है। और ये है एक बहुत ही जबरदस्त क्रोसों, जो मेरे हिसाब से शायद मनाली में सबसे बढ़िया क्रोसों हो। और अगेन इसके लेयर्स देखिए, आहा हा हा, अपने आप ही अलग हो के आता है। लेकिन मेरा फेवरेट तो खैर बेकन ही रहेगा हमेशा। और यहाँ पर है कीवी जैम, यहाँ पर है चंकी ब्लैकबेरी जैम, चंकी ब्लैकबेरी जैम, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी जैम और एप्पल प्रिजर्व। तो ये आपको सब ताजी चीजें यहां से मिल जाएंगी। लेकिन जो खास बात वो है कि फैट प्लेट में आपको रियली फैट प्लेट्स मिलती हैं, तो पेट भर के आप खाएंगे एक एक प्लेट से, और इससे बेटर एनवायरनमेंट और खाना क्या हो गए। अब अर्ज किया है, अर्ज किया है, इतने सारे फ्रूट्स का बन सकता है स्मूदीज, जूस, प्रिजर्व और जैम। हम खाएंगे हिमाचल में जैम, आप फंसी अपनी सिटी में इनसाइड द ट्रैफिक जैम। मतलब तंग करेगा तो सबको। हाँ, आप ऐसा मत कीजिए, चला रहा हूं। आप ये खाने को एंजॉय कीजिए, और उसके बाद जब आप मनाली में आए तो फैट प्लेट जरूर आइए और ये सब खाइए। लेकिन जल्दी खा, क्योंकि अब मैं तेरे को ले जाऊंगा बाहर फैमिली से मिलने, जो इस जगह को ओन करती है, और एक बहुत ही अच्छी चीज सीक्रेट बताने वाला हूँ आप सबको भी। तो कान खोल के ध्यान रखिए, पेन लेके नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी सीक्रेट है। जल्दी खा, जल्दी खा। अब हम आपको मिलाते हैं फैट प्लेट फैमिली से। तो ये है रति जी, ये है मधु जी, और उनके साइड पे है मक्खी जी। अनुभव, अनुभव। और यहाँ पर है जहां पर आपको मिलेगा रतीज होममेड, एक मैग्निफिसेंट रेंज और प्रिजर्व, जैम्स और पिकल्स। और रतीज होममेड इतना अच्छा है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि रतीज होममेड का जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, सॉरी सोशल डिस्टेंस, वो ये देखिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, ये जो आपका प्रिजर्व्स और पिकल्स की नई लाइन है, इसके बारे में बताइए, आइडिया कैसे आया आपको? ऐसे है जी, मैं बनाती थी ये सब चीजें 30 इयर्स से, शौक बहुत, कुकिंग का भी,
जैमिंग, पिकलिंग, कोई भी चीज। और हमारे पंजाबी फैमिलीज में पहले से ही अचार वचार चटनियां बहुत बनती थी। माय मदर वाज एन एक्सलेंट कुक, नानी वाज एन, एंड इट केम टू मी द जीन। एंड यहाँ मनाली में देखा फ्रूट इतना एम्पल था और तरह तरह का, और पूरा साल फ्रूट मिलता है। अप्रैल, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल से दिसंबर तक यहाँ फ्रूट रहता है। राइट, सो व्हाई नॉट, सो आई स्टार्टेड मेकिंग इट, द पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, एंड अब 35 इयर्स से मैं बनाती हूँ। अब 5-6 साल से यहाँ पर यही रतीज होममेड, माय सन नेम्ड इट, कहता नहीं मामा ये आपका, आप बनाते हैं तो मधु साहब मुझे प्यार से रति बोलते हैं, सो दोनों का वो करके के जी रतीज होममेड हमने। अब तो आपको चेंज करना चाहिए कि इतना टेस्टी हमने सब कुछ चेंज कर दिया, अब इसको बनाने देना चाहिए महारतीज पिकल्स एंड होममेड। दैट्स ट्रू, जैसा आप कहें, थैंक यू सो मच। रतीज इज अ स्टार। अब हमारे 10 प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, 5 पिकल्स एंड चटनीज हैं। हाँ जी, एंड 5 जैम्स। एंड को हम कहाँ पे ले सकते हैं, कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? लेकिन सबसे पहले इधर आइए जरा, क्योंकि ये जो पैकेजिंग है ये बहुत ही क्यूट है, खूबसूरत है, प्लेजेंट है। सर आप दूर हो जाए यहाँ से, मैं अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, कम बैक, कम बैक। अनुमा जी, ये आइडिया किसका है? This is my girlfriend's idea, Varnika. She's the one who designed the labels and the packaging. Wow, wow, wow. Yeah. Radhi ji, I hope you approve. Yeah, yeah, bilkul. ladki theek hai na? Bilkul. Chhod, main packaging ki baat kar raha hu, ladki baat theek hai. Chalo, ye cheeze zaruri hoti hai, hum Hindustani log hai, hum to aisi baat karte hai. To packaging bahut hi cute hai, ye retail aap log kar rahe hain ab? Yeah, retail. Aur kahan se mil sakta hai log? You can buy it from our website www.ratishomemade.com. Ratish Homemade is the website. Yeah, Ratish Homemade. Radhi ji, you're a complete star. और यहाँ पर मैंने काफी लोगों से बात करी आसपास यहाँ आने से पहले, तो एक दो फार्मर्स थे जो बोल रहे थे जी इतना फ्रूट इस सीजन में कोई नहीं खरीद रहा अभी, तो इट्स सच अ हेल्प कि आप लोग ये कर रहे हैं। एंड यू आर रियली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और लोकल एरिया में बहुत आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और ना जी, हम क्या चाहते हैं, हम उनको पहले बोल देते हैं कि आप बिल्कुल बेचना नहीं, आप हमको दीजिए सीधा आके, क्योंकि ना यहाँ कमीशन होता है ना यहाँ, और बेचारों का क्या होता है, छोटा भी बड़ा भी, हम सब साइज ले लेते हैं मंडी में, हर साइज का। वी बीन बाइंग टोटल क्रॉप्स, लाइक टोटल क्रॉप, वी ट्राई ग्रो व्हाटएवर वी हैव एंड देन सप्लीमेंटेड फ्रॉम ऑल आवर लोकल फार्मर्स। हाँ जी, तो उनको कहते हैं आप हमें सारा दे के जाइए, चाहे हमसे 5 रुपए किलो फालतू ले जाइए, और उनको उसी टाइम कैश मिल जाता है। right. उनको सबसे अच्छा, मतलब सब जीत गए। और ये सारा जो फ्रूट जो आता है ये फैट प्लेट कैफे में भी यूज होता है, क्योंकि समर में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो पूरा बाग है और वहाँ फ्रंट एरिया है सारे फूलों से भरा होता है, इतना सुंदर है, मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि खाने पे अटेंशन दो या फूल पे दो। अभी विंटर है, ऑफ सीजन है, तो अभी पिकल एंड प्रिजर्व्स एंड जैम्स खाने का टाइम है। जी हाँ, तो प्लीज मेंटल नोट बना लीजिए, सुबह सुबह ठंड का मौसम है, ये देखिए यहाँ पे बर्फ भी पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत स्नोबॉल फाइट भी हो सकती है, ये देखिए कितना मजा है। तो नोट कर लीजिए, फैट प्लेट, रतीज होममेड, लॉट्स ऑफ फन, वेरी डिलीशियस फूड। और हम चलेंगे आगे क्योंकि लंबा दिन है और अब हम फुल हो गए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच गुरुंग फैमिली, थैंक यू, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे, 1 2 3 गो। हां बस इतना, ठीक है, बस 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 बस।